वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन दे रखा है, देवेशी एक लड़की का नाम है, हैज टोटल ऑफ 590 रुपीज, मतलब उसके पास टोटल 590 रुपीज टोटल अमाउंट है ये वाला, और ये नोट की करेंसी में है जिसमें 50 रुपीज नोट है, 20 रुपीज नोट है और 10 रुपीज नोट है। और यहां पर हमारे पास दे रखा है रेशो, 50 रुपीज का और 20 रुपीज का रेशो हमारे पास ये रहा, और टोटल नोट हमारे पास ये है, ये टोटल नोट है। तो हमें बताना है हाउ मेनी नोट्स बताने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप के नोट है, 50, 20 और 10। इसमें 50 और 20 का रेशो भी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर हम लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 50 रुपीज नोट रेशो 20 रुपीज नोट, ये दे रखा आपके 3:5। इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका मतलब है 50 रुपीज जो नोट है वो हो गया अभी आपके 3x। जब भी रेशो आता है ना तो पीछे हमें x मानना होता है, या वाई मान लो या जेड मान लो। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 20 रुपीज नोट लेंगे तो ये होने वाले हैं आपके 5x रेशो के हिसाब से, रेशो ये है ना, तो नोट ये हो गए। अब टोटल नोट कितने हैं, 25 है। अब अगर हमें 10 रुपीज का नोट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास नोट है, मेरे पास टोटल नोट कितने हैं, 25 है, तो 25 में से 50 रुपीज वाला माइनस करेंगे और 20 रुपीज वाला माइनस करेंगे। देखो ये है 50 रुपीज नोट, ये है 20 रुपीज नोट, इन दोनों नंबर्स को, दोनों नोट्स को हम बाहर निकाल देंगे 25 में से, जो बचा है। अब क्या बच गया, 25 माइनस 8x ये बच गया। तो ये जो नोट है ना, ये है आपके 10 रुपीज नोट। अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है, जब टोटल अमाउंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, रुपीज़ को नोट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपये के 10 नोट है, तो रुपीज़ को नोट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हमारे पास है यहाँ पर टोटल मनी, टोटल मनी मेरे पास कितना है, 590 रुपीज़, ये हमारे पास टोटल मनी, ये लिखा हुआ टोटल मनी जो कितना है, 590 रुपीज़ है। अब टोटल मनी कैसे निकालते हैं, रुपये कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम जो आपके जितने रुपए का नोट है और जितने नोट है दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास 50 रुपीज का नोट है, कितने नोट हैं, 3x है, ये हो गया 50 रुपीज का टोटल अमाउंट। फिर लेते हैं 20 रुपीज के हैं 5 नोट और 10 रुपीज के हैं 25 माइनस 8x नोट, टोटल अमाउंट हो गया है आपके 590। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 150x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 100x। जितने रुपए का नोट है और जितने नोट है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा करके यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपके 250 माइनस 80x और ये हो गया आपके 590। अगर आप देखेंगे इस दोनों को ऐड करते हैं तो 250 होता है, 250 में से अगर आप 80 माइनस करोगे तो ये आने वाला है आपके 170, ये आने वाला है 170। इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस का हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा, कर दो माइनस, दोनों को माइनस करने पर आता है 340 रुपीस। ये एक इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा इधर डिवाइड में, एक्स का वैल्यू आने वाला है 340 अपॉन 170, एक्स का वैल्यू होने वाला है 2। अब हमें फाइंड करना है पहले 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट कितने हैं, ये लिखा हुआ है 3x, मतलब 3 × 2 जो होते हैं आपके 6। अब हम लेते हैं यहाँ पर 20 रुपीज नोट, वो कितने हैं, 5x है, 5 × 2
जो हो जाएंगे आपके 10। अब हमें लेना है 10 रुपीज नोट, ये कितना है, ये रहा 25 में से माइनस करेंगे 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है हमारे पास 2। नहीं तो हम क्या करेंगे, 25 में से ये 6 नोट और 10 नोट कितना होता है 16 माइनस कर देंगे, 25 में से 16 जाएगा पीछे बचेगा आपके 9 नोट। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है। अगर समझ में आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आप सबका।